आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास में झारखंड जीके का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इसलिए आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन पढ़ते हैं। झारखंड एसएससी का एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग उसी का सिलेबस लेकर चल रहे हैं। आज कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे झारखंड एसएससी का। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जब दो नाभिक एक तत्व को एक उच्च परमाणु संख्या के साथ जोड़ते हैं तो इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है परमाणु संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के तापमान में अधिकांश तत्व किस स्थिति में होते हैं? कौन सी स्थिति में होता है कमरे के तापमान में अधिकांश तत्व किस स्थिति में होते हैं? इसका आंसर आप लोग का ठोस तत्व में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर, जीव विज्ञान की एक शाखा है जो गुणसूत्रों के तुलनात्मक अध्ययनों का उपयोग कर जीवों के वर्गीकरण के साथ काम करता है। इसका जो आंसर होगा वह होगा साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? खनिज विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, पीएसएलवी किसके लिए संक्षिप्त है? यह संक्षिप्त है ध्रुवीय उपग्रह लॉन्च वाहक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आप देख सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है, यह आर्यभट्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किसका विटामिन सूर्य के विटामिन के रूप में जाना जाता है? विटामिन डी। अधिकतर आदमी के मुंह से सुने होंगे कि कहा जाता है कि हम विटामिन डी ले रहे हैं, जैसे ठंडे के मौसम में धूप में बैठ जाते हैं तो कहते हैं कि हम विटामिन डी ले रहे हैं, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, NaCO3 किसके लिए सूत्र है? NaCO3 का सूत्र क्या है? इसका आप लोग का सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है, धोने वाला सोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन, हृदय के ऊपरी कक्षों को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एट्रियम्स। हृदय के ऊपरी कक्षों को कहा जाता है एट्रियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के एलोट्रोप्स कौन है? इन चारों ऑप्शन में कार्बन के एलोट्रोप्स कौन है? ग्रेफाइट और डायमंड कार्बन के एलोट्रोप्स हैं।